लोकसभा चुनाव को लेकर झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना एक्शन मोड में है। लेडी डीएम नेहा मीना ने पेटलावद क्षेत्र के मतदान केंद्रों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान डीएम मैडम ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी उचित सुविधाएं करने के निर्देश दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने कमर कस ली है। मतदाताओं को जागरूक करने से लेकर मतदान के समय वोटर्स को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर डीएम नेहा मीना ने आला अफसरों के साथ पेटलावद क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र में शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनकोट, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेटलावद के मतदान केंद्र शामिल हैं। नेहा मीना निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसी के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था के उचित प्रबंधन किए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्यतः तो देखिए आप जानते हैं कि जैसे कि निर्वाचन आने वाला है 13 मई को, हमारी चौथा चरण में झाबुआ में होने वाला है। तो अब आशय इस प्रकार का है कि जो मतदान केंद्र हैं जिसमें जो इंश्योर मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए उसको हम इंश्योर करा सकें, उनको चेक कर सकें, प्लस वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों को दौरे करने पड़ते हैं। तो बस उसी प्रकार से आज मेरा और इसके सबके यहाँ पे दौरा रहा था कि मतदान केंद्र देखें, प्लस आप लोगों को पता है कि उपार्जन भी चल रहा है, गेहूँ का उपार्जन चल रहा है, चलेगा शुरू हो रहा है, तो इसका भी हम लोगों ने द्वारा एक रिव्यू किया गया है कि किसानों को किसी तरह के इश्यूज से फेस नहीं करने पड़ रहे हैं उपार्जन केंद्र पर, तो वही चर्चा फिर किसानों से की जाएगी। देखिए पेटलावद में अभी जितने मैंने बूथ देखे थे तो वो तो अच्छे हैं, कंडीशंस अच्छी हैं, लेकिन हम देखें तो शौचालय वगैरह पे काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। और दस मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, क्योंकि इस टाइम पे क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले ही हैं, और अगर निर्वाचन के नाम से जो शौचालय वगैरह हैं उनका भी साथ साथ हम लोग अपग्रेडेशन करवा देंगे। बाकी जो नॉर्म्स हैं, जिस नॉर्म्स के हिसाब से मतदान केंद्र होने चाहिए, उन नॉर्म्स के हिसाब से ही मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। थोड़ी बहुत जो फैसिलिटीज है, जैसे कि रैंप है, तो रैंप का जो स्लोप है वो लंबा होना चाहिए हमारे जो दिव्यांग मतदाता होते हैं उनके बीच की सहूलियत के लिए, व शौचालय का जैसे मैंने आपको बताया, प्लस अगर हमारी महिला, क्योंकि ऑल वेमेन पोलिंग बूथ भी होते हैं और ऐसा भी होता है कि 50% मेल और 50% फीमेल वाला होता है पोलिंग बूथ, तो उसमें फिर हमको स्पेशली देखना पड़ता है कि पृथक से एक रूम वगैरह की व्यवस्था रहे जहाँ पर महिला कर्मियों की सुनने की व्यवस्था रहे। तो ये वाली चीज़ों पर हम लोगों ने पूरा आकलन किया था। तो पेटलावद में अभी अभी मोटे मोटे तौर पर यही सब। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद अनिल राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद राजेश कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, झाबुआ।